नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। आज हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर थर्ड। कौन सा चैप्टर नंबर थर्ड? चैप्टर नंबर सेकंड में हमने किसके बारे में पढ़ा था? चैप्टर नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था पंचवर्षीय योजना के बारे में। और जो पंचवर्षीय योजना बनाई थी उसमें हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1951 से लेके 1956 तक। और उस पंचवर्षीय योजना में हमने किस पर ध्यान दिया था? सोचो जल्दी से, फटाफट से, किस पर ध्यान दिया था? हमने ध्यान दिया था कृषि पर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर थर्ड का, वो किस पर हो रहा है? कृषि पर हो रहा है। तो इसका मतलब आज हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कृषि के क्या क्या महत्व है, कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, और कृषि की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या किया, और उसके बाद उसकी हमारे सामने क्या क्या उपलब्धियां थी, और उसके बाद हम आखिरी में पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने कृषि के महत्व पर, मतलब कृषि की इंपॉर्टेंस, मतलब कृषि हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या कारण है कृषि का। जैसे एक बॉडी होती है ना, उस बॉडी में जिस तरह से रीढ़ की हड्डी काम करती है, उसी तरह से हमारे लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? कृषि है। क्लियर? तो कृषि हमारे लिए क्योंकि क्या, मतलब कृषि के इंपॉर्टेंस होने के या इंपॉर्टेंट होने की क्या रीजन है? तो सबसे पहला रीजन है कि कृषि जो है वो क्या होती है, वो हमारे जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। इसका मतलब, जीडीपी का मतलब जो भी हमारी इनकम आ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी इनकम आ रही है, उस इनकम में जो है जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान होता है, ऑलमोस्ट 1/4 के आसपास। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग किस पे लगे हुए हैं? कृषि पर लगे हुए हैं। तो कृषि हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि कृषि हमें क्या देती है? रोजगार देती है। कृषि हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जीडीपी में उसका बड़ा योगदान है। कृषि क्यों जरूरी है? क्योंकि कृषि से हमें मजदूरी वस्तुएं मिलती है। अब देखो, मजदूरी वस्तुएं क्या होती है? मजदूरी वस्तुओं का मतलब होता है कि जो हमारी देश की जनसंख्या, देश के जो लोग हैं, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं, उन्हें हम मजदूरी वस्तुएं कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, यातायात में कृषि का योगदान है, उद्योगों में कृषि का योगदान है, रोजगार में कृषि का योगदान है, जीडीपी में कृषि का योगदान है, यहां तक कि घरेलू व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी किसका योगदान है? कृषि का। तो कृषि हमारे लिए इन इन पॉइंटों से या इस नजरिए से कृषि हमारे लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में देखो वो क्या पूछेगा, वो बोलेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की व्याख्या करो, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है कृषि के। और इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा घुमा देगा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी सीरीज क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, वो बता रहा है आपको कि कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बैकबोन का काम करती है। तो वो कैसे, इस कथन की पुष्टि आपको करनी है, आपको इस बात को क्लैरिफाई करना है कि कैसे होता है। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए कि भाई कृषि का जो है घरेलू उद्योगों में योगदान है, सकल घरेलू उत्पादन में योगदान है, कृषि का जो है मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति करती है, कृषि जो है वो रोजगार के साधन के रूप में काम आती है, क्योंकि हमारी जनसंख्या का 45% से ऊपर का भाग, मतलब ऑलमोस्ट 45-50% के बीच का भाग किस पे काम करता है? कृषि में काम कर रहा है, रोजगार दे रही है। ठीक है, उद्योगों को कच्चा माल कहां से मिलता है? तो कृषि से मिलता है। कैसे? जैसे आपको पता होगा कि अगर हम एक कोलू की बात करें, कोलू का मतलब होता है जहां पे तेल निकाला जाता है, तो उसके लिए सरसों कहां से मिलती है? कृषि से। अगर हम एक कपड़े की फैक्ट्री की बात करें, तो उसको कपड़े के लिए कच्चा माल कहां से मिलता है? कपास कहां से आता है? जूट कहां से मिलता है? तो जूट कहां से मिलता है? जूट उन्हें मिलता है कृषि से। ठीक है, अगर हम बात करें एक गन्ने की मिल की, तो गन्ने के मिल के लिए जो है गन्ना,
सॉरी गन्ने का मिल नहीं, चीनी की मिल, चीनी की मिल की बात करें तो उसके लिए गन्ना कहाँ से आता है, खेतों से आता है, ठीक है। तो तंबाकू वगैरह ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो कृषि पर डिपेंड है। तो उद्योगों को जो कच्चा माल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है, क्लियर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आपको पता है हमारा देश चाय का निर्यात करता है, हमारा देश कॉफी का निर्यात करता है, तंबाकू का निर्यात होता है, काजू का निर्यात होता है, जूट का निर्यात होता है, तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल व्यापार भी होता है, ठीक है। तो अब हम इन पॉइंटों पर जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमें ब्रीफली एक एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है एग्जाम के अंदर। पॉइंट्स तो हमें समझ में आ गए, लेकिन हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, क्या हम एक आंसर को बहुत बड़ा लिख देंगे, नहीं, हमें लिमिटेड वर्ड्स लिखने हैं। देखना जरा ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। इसका मतलब देखो, जीडीपी का लगभग एक चौथाई भाग, कितना, 1/4 भाग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसका मतलब हमारे जितने भी इनकम होगी ना, जितना भी हमारा पूरा देश कमाएगा, उसका 1/4 भाग हम कहां से लाते हैं, कृषि से लाते हैं, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में, इसका मतलब जो हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी, इस दौरान क्या हुआ कि कृषि का जीडीपी में योगदान 18 से 51% है। इसका मतलब कृषि पंचवर्षीय योजना, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना 1956 में बनी, ठीक है, तो सॉरी 1951 में बनी, तो क्या हुआ, तब से लेकर और आखिरी पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजनाओं तक क्या था, हमारा सारा का सारा 18 से 51% का योगदान किसका था, कृषि का था। मतलब जो भी इनकम आई, किसी पंचवर्षीय योजना में 18% का योगदान था तो किसी पंचवर्षीय योजना में 30 का हो गया, और किसी पंचवर्षीय योजना में 40 का हो गया, तो किसी पंचवर्षीय योजना में 45 का हो गया। मतलब अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में 18 से 51% की जो इनकम आ रही थी, कहां से आ रही थी, कहां से, कृषि से आ रही थी, क्लियर। देखो आगे, इसका अर्थ यह नहीं है, अब आप देख रहे हो कि 18 से 51% का योगदान आ, देखो आगे क्या था कि इसके बीच रहा, समय के साथ साथ इसमें गिरावट आती रही, किसमें, जीडीपी के, जीडीपी में कृषि के योगदान में गिरावट आती रही। तो अब कृषि का योगदान का कम होने का मतलब यह नहीं कि कृषि कम हो रही है, कृषि तो हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान था वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ रहा है। इसका मतलब कृषि का योगदान तो कम हो गया, परसेंटेज तो कम हो गया, लेकिन कृषि क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। लेकिन देखो हमें क्या कह रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कृषि उत्पादन में कमी आ रही है, मतलब परसेंटेज कम होने का मतलब यह नहीं है कृषि उत्पादन में कमी आ रही है, बल्कि मतलब क्या है कि जो गैर कृषि क्षेत्र है, ठीक है, गैर कृषि उत्पादन का अधिक विकास हुआ। गैर कृषि उत्पादन मतलब जो हमारा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है, उसका रेशो बढ़ गया है, वो पहले से ज्यादा योगदान दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कृषि कम हो रही है। तो इसलिए हमारे लिए कृषि क्या है, इंपॉर्टेंट, और हमारी क्या है, बैकबोन है, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसके अलावा मजदूरी वस्तुओं की पूर्ति करती है। आपको पता है 125 करोड़ लोगों को जो भोजन है वो कहां से मिलता है, कृषि से मिलता है। 38 करोड़ जो हमारे पास जानवर है, पशु है, उनको चारा कहां से मिलता है, चारा कहां से मिलता है, कृषि से मिलता है। देखो मजदूरी वस्तुएं वे वस्तुएं होती है कौन सी, जिन्हें देश की जनता अपनी जीवन योग्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपभोग करती है, मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो उसका क्या कर रही है, उपभोग कर रही है, कौन, जनता। अब देखो हमें क्या कह रहा है कि भारत में कृषि क्षेत्र लगभग 125 करोड़ लोगों को, 125 करोड़ लोगों को क्या दे रहा है, भोजन दे रहा है, कौन दे रहा है, कृषि दे रहा है, तो हो गई ना कृषि हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में 38 करोड़ पशुओं को क्या देता है, चारा देता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृषि हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट है रोजगार, कि हमारे जो भारत के जो लोग हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। देखो कृषि भारत में लोगों के जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत की 50% के आसपास की जनसंख्या, या 50% से अधिक हम कह देते हैं, वो कहां लगी हुई है, किस काम में लगी हुई है, कृषि कार्य में लगी हुई है। तो कृषि क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अगर देखो औद्योगिक कच्चा माल, अब उद्योगों को कच्चा माल कहां से मिलता है, कृषि से मिलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। देखो कृषि औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चे माल की पूर्ति करता है, किसकी पूर्ति करता है, कच्चे माल की पूर्ति, मतलब उद्योगों को कच्चा माल जब कृषि से मिलेगा तभी तो उद्योग क्या करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे, ठीक है। देखो द्वितीय क्षेत्र का विकास प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है, अगर हमें अपने उद्योगों का विकास करना है तो किससे हो सकता है, कृषि से, तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ,
कृषि। ठीक, देखो कृषि कपड़े चीनी तेल उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। कृषि जो है वो किस किस को देता है? कपड़े के लिए जूट, ठीक है, चीनी गन्ना, तेल क्या, सरसों। तो ये सारी की सारी चीजें कहां से आती है? कृषि से आती है। अगर हम इन उद्योगों की बात करें तो इनके लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कहां से आता है? कृषि से। तो कृषि क्या है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट। अगर देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में योगदान, मैंने पहले भी बताया क्या कि हमारे यहाँ से काजू जाता है, तंबाकू जाता है, और जब ये सारी चीजें हम विदेशों को देते हैं तो विदेशी हमें क्या देते हैं? विदेशी विनिमय देते हैं। विदेशी विनिमय का मतलब वो विदेशी पैसा देते हैं। जब हम उन्हें अपने देश का सामान बेचते हैं, निर्यात करते हैं, तो हमें क्या देते हैं? डॉलर आता है, यूरो, पाउंड, दिनार, दिराम। अब आप कह रहे होंगे सर ये यूरो, पाउंड, दिनार, दिराम क्या होता है? ये अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसियां है। जैसे भारत के अंदर रुपए चलता है, ऐसे ही अलग अलग देश की अपनी अपनी क्या है? करेंसियां है। क्लियर हो गया? देखो क्या है, कृषि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? भारत चाय का, जूट का, काजू का, तंबाकू का, कॉफी का और मसाले आदि का क्या करता है? निर्यात करता है। कृषि देश के विदेशी विनिमय कोषों में महत्वपूर्ण अंशदान करती है। कृषि जो है वो देश के विदेशी विनिमय कोष, इसका मतलब जो हमारे पास विदेशी पैसा रखा होता है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्यों और कैसे? निर्यात करेंगे, वहां से डॉलर आएगा, पाउंड आएगा, यूरो आएगा, हम क्या करेंगे? इकट्ठा करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमें विदेशों से कोई चीज मंगानी होगी तो हमें क्या देना पड़ेगा? डॉलर, पाउंड, यूरो। ठीक है, देखो आगे घरेलू व्यापार में योगदान होता है। घरेलू व्यापार भी होता है ना इससे। देखो देश के घरेलू व्यापार में भी कृषि का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बात इस तथ्य द्वारा पता चलती है, किस तथ्य द्वारा पता चलती है कि देश के जो लाखों लोग हैं वो कृषि वस्तुओं पर क्या कर रहे हैं? बहुत अधिक मात्रा में व्यय करते हैं। ठीक है, देखो लाखों लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि वस्तुओं पर क्या करते हैं? भारी व्यय करते हैं, अधिक खर्च करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा किसान क्या करता है। किसान ने अपने खेत में क्या क्या टमाटर उगाया। अब वो टमाटर कौन खरीदेगा? व्यापारी खरीदेगा। वो व्यापारी क्या करेगा? वहां से लेके बाजार तक लेके आएगा। बाजार में क्या होगा? वो होलसेल पे बिकेगा। बाजार के बाद क्या होगा? उसे रिटेल वाले खरीद के ले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? वो हमारी मंडियों तक आएगा ना। तो लोग इस कृषि वस्तुओं पर क्या कर रहे हैं? भारी मात्रा में व्यय कर रहे हैं, इनकम के लिए भी और उपभोग के लिए भी। तो कृषि हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भारत के लिए कृषि जो है वो किसका काम करती है? बैकबोन का काम करती है, रीढ़ की हड्डी का। ठीक है, आखिरी पॉइंट है कृषि यातायात के साधन। मैंने बताया ना कि कृषि की मांग है यातायात के साधनों की। क्यों? क्योंकि किसान ने अपने खेत में खेती तो कर ली, लेकिन एक बात बताओ कि उसका सामान बाजार तक आने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? देखो बताओ जल्दी से, यातायात के साधन। ट्रेन चाहिए, सड़कें चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहिए ना। तो देखो अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है भारत में कृषि यातायात उद्योगों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है। भारत में कृषि यातायात उद्योगों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि जो यातायात के साधन है वो क्या करते हैं? कृषि का सामान उठा के लाते हैं बाजारों तक। ठीक है, अभी देखो भारत में रेल मार्ग, ठीक है, तथा सड़क मार्ग, आपको पता होगा अंग्रेजों ने भी कहा था ना, अंग्रेजों ने भी किया था रेल का, सड़क का निर्माण किया था। किस लिए? ताकि वो भी कच्चा माल कृषि से आसानी से अपने देशों में ले जा सके। तो हुई ना कृषि हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखो ठीक है, अधिकांशतः कृषि उत्पादों को लाते ले जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि यातायात उद्योगों की मांग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कृषि यातायात उद्योगों की मांग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका मतलब कि कृषि यातायात के उद्योगों के लिए मांग करती है। तो हुई ना कृषि हमारे जल्दी, एक बार जल्दी जल्दी से, जरूरी हुई ना कृषि हमारे लिए, एक बार जल्दी जल्दी से क्विक रिविजन करते हैं कि कृषि हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सर कृषि जो है वो जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। पंचवर्षीय योजना के दौरान 18 से 51% का योगदान किसका था? कृषि का था। सर कृषि क्या होती है? मजदूरी वस्तुएं देती है। सर कृषि क्या होती है? यातायात के साधन के लिए उपयोगी है। सर कृषि क्या होती है? बताओ जल्दी से, सोचो एक और पॉइंट जल्दी से। कृषि क्या होती है? हमारे लिए उद्योग का विकास करती है।
विनर पॉइंट। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार ये सब समझने के बाद एक बार बुक से सेल्फ स्टडी जरूर करनी है, ठीक है। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर के आगे वाले पार्ट के बारे में। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नमस्कार।